हम में से हर कोई चाहता है कि वो एक हेल्दी और फिट लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करे, क्योंकि हेल्दी रूटीन और रेगुलर एक्सरसाइज कितने सारे बेनिफिट्स देते हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, नींद अच्छी आती है, ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है और स्टेमिना बिल्ड होता है। ये तो वैसे सिर्फ कुछ ही हेल्थ बेनिफिट्स का ही जिक्र हो पाया है। ऐसे हेल्दी रूटीन से तो ओवरऑल पर्सनैलिटी ही शाइन करने लगती है। फिर चाहे बात बॉडी की हेल्थ की हो या माइंड की, सब अच्छा होता चला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम वहां पर आती है जहां पर ये सब कुछ जानने के बाद भी ऐसी लाइफस्टाइल को हम फॉलो ही नहीं कर पाते। आई नो, आप बहुत ट्राई करते हैं, हम सभी करते हैं। या तो हम शुरुआत ही नहीं कर पाते, और शुरुआत हो जाती है तो बस कुछ दिन के बाद हमारा मोटिवेशन उड़न छू हो जाता है और हम फिर से उसी अनहेल्दी लाइफस्टाइल में घुलमिल जाते हैं, जिसमें मूवमेंट नहीं होता, मोटिवेशन नहीं होता, हेल्दी फूड नहीं होता। होता है तो बस काम का बहुत सारा स्ट्रेस, लो एनर्जी और ये गिल्ट कि हम एक अच्छी लाइफस्टाइल को नहीं अपना पाए। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों चाहने और कोशिश करने के बाद भी हम इस हेल्थ और फिटनेस को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल नहीं कर पाते? शायद हमारा माइंडसेट हमें ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी यही मानते हैं कि हेल्थ और फिटनेस का मतलब ना हमारे लुक से है और हमारे वजन से है। लेकिन हेल्थ और फिटनेस सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि लुक्स और वजन के अलावा ये क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है। ये सिर्फ हमारे मूवमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे मूड को भी अफेक्ट करती है। हमारी वर्क परफॉर्मेंस, ग्रोथ, सक्सेस और इमोशंस सब इसके हिस्से हैं। अब बताइए, क्या आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि आपका मूड हमेशा अच्छा रहे, आपके रिलेशनशिप अच्छे रहे, आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, आप एक्टिव और एनर्जेटिक फील करें, इमोशनली स्ट्रांग बने और फिट और हेल्दी नजर भी आए? तो अगर ये सब आप एक साथ पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बस अपने डेली रूटीन में थोड़े से चेंजेस ही तो लाने हैं। अपने रूटीन को फिटनेस ओरिएंटेड बनाना है, और अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ गए हैं तो हर दिन सुबह बजने वाले अलार्म को बंद करने की बजाय खुशी से उठकर के वॉक पर जाने को तैयार भी हो जाएंगे, और जिम जाने या योगा करने की आदत को बड़ी आसानी से अपना भी लेंगे, क्योंकि आप इंस्पायर होंगे, मोटिवेटेड बने रहेंगे खुद को और बेहतर बनाने के लिए। और इस मोटिवेशन को जगाने और बनाए रखने के लिए हम आपकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए हमने आज का ये वीडियो बनाया है ताकि वो बेसिक पॉइंट्स आपको बता सके, जिनकी मदद से आप हेल्दी लाइफस्टाइल की वैल्यू को समझ सके और मोटिवेटेड बने रहे इस लाइफस्टाइल को अपनाए रखने के लिए। तो अगर आपको भी हैप्पी और हेल्दी रहने की तमन्ना है तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए 9 आसान तरीके। पहला तरीका, खुद के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। ये लाइन बहुत ही सिंपल और इतनी कॉमन है कि समझ ही नहीं आता है कि कैसे रखे। तो बात ऐसी है कि इस हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए सबसे पहले आपको खुद के बारे में अच्छा सोचना होगा। ओहो, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे दिमाग में तो दुनियादारी कितनी सारी बातें होती है, किसने क्या किया, किसने क्या पहना, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों सोचा। लेकिन इन सबको हटा करके खुद के बारे में सोचना है, और वो भी अच्छा अच्छा सोचना है। मुश्किल है, लेकिन सोच कर देखिए, शुरुआत तो कीजिए। तो ये तो बात हुई अपने बारे में अच्छा सोचने की। दूसरी बात ये कि अगर आप अपनी एक्सरसाइज और हेल्दी ईटिंग को कंटिन्यू नहीं भी रख पाते हैं तो खुद को क्रिटिसाइज मत कीजिए। आप कोशिश तो करते ही है ना, तो बस कोशिशों को बंद मत कीजिए। खुद के साथ बहुत रूड मत बनिए। गिल्टी फील करने की बजाय खुद से कहिए कि आप फिर से शुरू करना चाहते हैं। अगर आप खुद के बारे में पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तो ना केवल हेल्दी लाइफस्टाइल बल्कि हर एक अच्छी आदत आसानी से अपना पाएंगे। और अगर खुद के साथ सख्त और रूखा रवैया बनाए रखेंगे तो शायद कुछ वक्त के बाद आप कोशिश करना ही छोड़ दें, जो ठीक नहीं होगा। इसलिए पहले खुद को अपनाइए, अपनी कोशिशों को सराहिए और फिर से एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाइए। दूसरा तरीका है, गोल सेट करिए। आपका टारगेट कुछ भी हो, रियलिस्टिक गोल सेट करके आप खुद को मोटिवेटेड बनाए रख सकते हैं। और आज बात हेल्दी रहने की है तो आप कुछ ऐसे गोल्स बना सकते हैं, जैसे कि हर दिन 5000 कदम चलना। ये गोल आपको एक फिक्स टाइम फ्रेम में अचीव करना होगा, और इसमें आपकी मदद के लिए ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो फिटनेस गोल सेट करने में और उस पर स्टिक रहने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, इसलिए जरूरत पड़े तो उनकी मदद लीजिए। तीसरा तरीका, छोटी छोटी चेंजेस लाइए। इस बार लास्ट टाइम जैसी गलती करने से बचना होगा, यानी अचानक से अपनी रूटीन में बड़े बड़े चेंजेस लाने की कोशिश करने और थक कर डिसअपॉइंट होकर के बीच में ही एफर्ट्स बंद करने से बचना होगा। बेहतर होगा कि हर दिन छोटे छोटे हेल्दी बदलाव किए जाएं।
अपने खाने में, अपने मूवमेंट में, अपनी स्लीपिंग आस में, सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट टाइम में, हर दिन इन छोटे चेंजेस को अपना करके बिना तकलीफ उठाए हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ा जा सकता है। आप ट्राई करना शुरू तो कीजिए। प्रोसेस्ड फूड को एकदम से छोड़ने की बजाय उसकी क्वांटिटी को कम करना शुरू कीजिए। हर दिन वॉक करने के समय में 5 मिनट ऐड करते जाइए। सोने से पहले डिजिटल डिवाइसेस को दूर करने की हैबिट डालना शुरू करिए, और हर वो चीज जो आपके डेली रूटीन को अनहेल्दी हैबिट से भरा रखती है, उन्हें धीरे धीरे हर दिन के साथ एक एक करके दूर करना शुरू करिए। यकीन मानिए, आप ये कर सकते हैं। चौथा तरीका, एवरीडे एक्टिविटीज को ही मिनी वर्कआउट्स बना लीजिए। वर्कआउट को कोई टफ और चैलेंजिंग टास्क माना जाए तो लंबे समय तक उसे कंटिन्यू रख पाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप ऐसा मत कीजिए। इसकी बजाय आप अपनी हर दिन की एक्टिविटीज में ही वर्कआउट कर लीजिए, मिनी वर्कआउट। इंटरेस्टिंग है ना? इसके लिए आप अपने डॉग को वॉक पर ले जा सकते हैं, ताकि उसके बहाने आप भी वॉक कर ही ले। बच्चों के साथ खेलने को थकान भरा समझने की बजाय खुलकर खेल सकते हैं, ताकि बच्चे भी खुश और आपकी सेहत और मन भी खुश। आप डांस कर सकते हैं, खुलकर हंस सकते हैं, खाने के बाद वॉक करने की आदत डाल सकते हैं, घर की सफाई कर सकते हैं, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का यूज कर सकते हैं, और पूरे दिन चेयर पर बैठने की बजाय जमीन पर भी बैठ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं एक दिन में जिन्हें आप मिनी वर्कआउट में बदल सकते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ तेजी से कदम बढ़ा सकते हैं। पांचवा तरीका, अपने फिजिकल एक्टिविटी रूटीन को फ्लेक्सिबल रखिए। अगर एक्सरसाइज का नाम सुनते ही आप स्ट्रेस में आ जाते हैं और इस बारे में बात करने से बचना चाहते हैं, तो इसका एक रीजन तो आपका हेक्टिक और अनरियलिस्टिक एक्सरसाइज रूटीन हो सकता है, जिसमें आप शुरू के कुछ दिन पूरा जोर लगा देते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। और दूसरा रीजन आपके इस रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होना हो सकता है, यानी किसी भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से आपका एक्सरसाइज रूटीन डिस्टर्ब होते ही आप अपसेट हो जाते हैं और फिर उसे कंटिन्यू करना छोड़ देते हैं। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? फ्लेक्सिबल बनना चाहिए और अपने एक्सरसाइज रूटीन को इजी से टफ की तरफ ले जाना चाहिए। आप वॉक से शुरू कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, और कुछ दिनों के बाद जिम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर घर पर 30 मिनट का एक्सरसाइज सेशन रख सकते हैं। इस टाइम आप उन अचानक आने वाले चेंजेस के लिए भी तैयार रह सकते हैं जो आपके एक्सरसाइज रूटीन को थोड़ा डिले कर सकते हैं। उससे पैनिक या अपसेट होने की बजाय आप एडजस्ट कर सकते हैं। और हाँ, आपको एक्सरसाइज एक बर्डन लगने की बजाय ब्लेसिंग लगे, इसके लिए आप वो एक्सरसाइजेस चूज कर सकते हैं जो कि आपको सूट करती हो, आपकी रूटीन और बॉडी की जरूरत को सपोर्ट करती हो, और जो आपको इतना एग्जॉस्ट ना कर देती हो कि आप एक्सरसाइज का नाम सुनकर के ही घबरा जाए। तो बताइए, क्या आप ये सब कर सकते हैं? ये वाकई में आसान है और आप इसे जरूर से कर सकते हैं अगर आप करना चाहे। अपने रूटीन को फिक्स करके आप हर दिन अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा ज्यादा खुद को पुश कर सकते हैं, बस इतना कि आप प्रोग्रेस फील कर पाए, स्ट्रेस नहीं। ऐसा करने से आप मोटिवेटेड रहेंगे और हर अगले दिन के लिए एक्सरसाइज रूटीन के लिए एक्साइटेड भी रहेंगे। और अगर इस एक्सरसाइज सेशन में आपको एक पार्टनर भी मिल जाए तो कहना ही क्या। ये आपके कोई फैमिली मेंबर या दोस्त हो सकते हैं जो आपको एनकरेज करते हों और आपके साथ इस एक्सरसाइज रूटीन को एंजॉय करते हों। छठा तरीका, अपने फिजिकल गोल्स तक पहुंचने के लिए पेशेंस रखिए। अब हेल्दी लाइफस्टाइल की ये जर्नी आपने शुरू तो कर दी, लेकिन अगर आप इसे बीच में ही ड्रॉप करने की सोच रहे हो तो इस सोच को यहीं पर ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि ये आपको बेहतर बनने से रोक रही है। आपको समझना होगा कि रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए आपको पेशेंस के साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए। आप खुद के बारे में हमेशा अच्छा सोचते रहना चाहते हैं, खुद की ग्रोथ और सेटिस्फेक्शन भी चाहते हैं, तो इस बार गिव अप मत कीजिए। खुद को बताइए कि ये लाइफस्टाइल आपके किसी भी सपने को पूरा करने जैसी है, और इस सपने को आप पूरा जरूर करेंगे। सातवां तरीका, हेल्दी ईटिंग को आसान समझिए। हेल्थ की बात आते ही अगर आपको लगता है कि अब आप बर्गर पिज्जा नहीं खा पाएंगे और सिर्फ सलाद ही खाने को मिलेगा, वेजिटेबल्स खानी होगी, तो ऐसा सोचना और फिक्र करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। आपको अपनी पसंद की चीजों को तुरंत छोड़ देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनकी क्वांटिटी कम करके भी आप डाइट में बैलेंस बनाना शुरू कर सकते हैं। और हाँ, बस इन कुछ गुड ईटिंग हैबिट्स को अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं, जैसे सफिशियंट अमाउंट में पानी पीजिए, खाने में सॉल्ट और शुगर थोड़ा कम करते चलिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को मन से खाकर देखिए, ये वाकई में टेस्टी होती है। चाहे तो इन्हें बनाने के तरीके बदल लीजिए। हर दिन खाए जाने वाले पैकेज्ड फूड को 2 से 3 दिन में एक बार खाइए, और फिर हफ्ते में एक बार,
अपने पसंद के पिज्जा बर्गर में हेल्दी इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर सकते हैं, जिसकी बहुत सारी रेसिपीज आपको ऑनलाइन मिल सकती है। आप बस थोड़ी थोड़ी सी कोशिश करें, बाकी सब अपने आप होता जाएगा। जरूरत है तो सिर्फ आपके मोटिवेट रहने की, आपके एक कदम आगे बढ़ाने की। आठवां तरीका, कंफर्ट जोन से बाहर आइए। जब भी आपको अपने किसी सपने को पूरा करने में दिक्कत आने लगे, तो समझ लीजिए कि आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हैं। इस जोन को ब्रेक करना होगा ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सके। बात चाहे एग्जाम में हाई मार्क्स लाने की हो, करियर को सेट करने की हो, या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने की हो, आपको ना इस कंफर्ट जोन को ब्रेक करना ही होगा। और हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए, आप देर तक सोने के कंफर्ट को ब्रेक कीजिए। दिन भर सोफे पर लेटे रहने के कंफर्ट को ब्रेक कीजिए। खाते ही सो जाने के कंफर्ट को ब्रेक कीजिए। ये इतने सारे कंफर्ट मिलकर के ही तो आपका कंफर्ट जोन बनाते हैं, जिन्हें ब्रेक करके आप इस जोन को ब्रेक कर सकते हैं और इसके बाहर आकर ताजी हवा, फिट बॉडी और हेल्दी रूटीन पा सकते हैं। चॉइस आपकी है, आप क्या चाहते हैं। अब बात करते हैं नवे तरीके के बारे में, पूरी नींद लीजिए। अगर आप रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद ले पाते होंगे, तो आपके लिए सुबह फ्रेश उठना और एक्टिव रहना आसान होता होगा। वहीं जरूरत से कम नींद लेने पर आप डिस्टर्ब्ड, लो एनर्जी और अपसेट फील करते होंगे। शायद आपको पता नहीं हो कि हेल्थ के लिए सोना भी जरूरी है। बॉडी को आराम देने के लिए सफिशियंट क्वालिटी स्लीप बहुत जरूरी होती है। इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, क्योंकि फिट रहने और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने में इसका रोल भी बहुत बड़ा है। और अगर आप पूरी नींद ले पाएंगे, तो ही सुबह अलार्म बजते ही एक्सरसाइज रूटीन के लिए मोटिवेटेड महसूस कर पाएंगे, कंफर्ट जोन को ब्रेक करने का इरादा बना पाएंगे और कंसिस्टेंसी शो कर पाएंगे। इसलिए हर रात अच्छी नींद के लिए आपको अपने रूटीन में जिन चेंजेस की जरूरत है, उन्हें अप्लाई करना शुरू कीजिए, ताकि आपकी हर सुबह ताजगी और एनर्जी से भरपूर हो सके और आपकी पूरे दिन की परफॉर्मेंस एक्सीलेंट बने। तो देखा आपने, हेल्दी लाइफस्टाइल कोई एलियन थिंग नहीं है। इसे मैं और आप कभी भी अपना सकते हैं। बस मोटिवेशन चाहिए और सच्ची नीयत चाहिए। आपके पास ये दोनों है, इसलिए अब आप इस तरफ कदम जरूर बढ़ा पाएंगे, ये हमें यकीन है। और फिर अब आपके पास ऐसे 9 सिंपल बट इफेक्टिव मोटिवेशनल टिप्स भी हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो की मदद लीजिए, खुद को हेल्दी लाइफस्टाइल की इंपॉर्टेंस समझाइए और शुरू कर दीजिए ये सेहत भरा सफर। तो इन्हीं सारे टिप्स को जानते हुए, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपकी तरफ से कोई और भी टिप है जिस पर आप काम कर रहे हैं और आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट भी मिले हैं, तो प्लीज हमारे साथ जरूर शेयर करें। और लाइक ऑलरेडी आपने इस वीडियो को कर दिया है, तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें उन दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, जो बहुत ट्राई कर रहे हैं, बार बार गिव अप कर रहे हैं। प्लीज उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें। बाकी आपका कोई सवाल है तो वो हमें लिख भेजिए। और इसी के साथ मिलेंगे जल्दी ही और ऐसे सवालों के जवाबों के साथ, जो आप हमें भेजते रहते हैं क्विक सपोर्ट पर। तब तक के लिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन कभी भी आप मिस ना करें। रूबी आपसे कहेगी अभी के लिए धन्यवाद।